बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक बरकत डाले हमारे आपके खानों में, रिस्क में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने कबाब की रेसिपी। तो चलें इस चना कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा मेरे पास, और इसमें ऐड करेंगे 1 कप चॉप किया हुआ प्याज, 1 नमक ऐड करेंगे हसबे जरूरत, लाल मिर्च पाउडर, मोटी पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून आप गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। जीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और 2 चम्मच ही हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे। और 2 चम्मच हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आप गेहूं का आटा ले लें और बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन आटे से ये टूटेंगे नहीं। तो मैं यहां पर 2 चम्मच इसमें ऐड करूंगी। धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो अब इसके हम बनाएंगे कबाब। तो इस तरह से आप इसके कबाब बनाएं और इनको करेंगे फ्राई। तो यहां पर हम एक पैन लेंगे, तो इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल को गर्म करेंगे, तो अब इसमें हम ये कबाब रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे। तो कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, तो इनको करेंगे साइड। तो अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप आप इसमें ऑयल ऐड करें और 1 कप हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो इसको फ्राई करेंगे 102 मिनट तक। तो मसाला यहाँ पर हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, टमाटर ऐड करेंगे हम इसमें बारीक कटे हुए, छिलके उतार लें आप इसमें, और 3 से 4 अदद आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे। सब्ज मिर्चें, अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें आप। अब इस मसाले में ऐड करूंगी मैं बॉयल चने 1 कप, एक चम्मच गरम मसाला और धनिया पाउडर 2 चम्मच, तो इसमें ऐड कर देंगे रेडी किए हुए कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसको कवर करेंगे 5 से 7 मिनट तक और इसको पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रेडी हो चुकी है, तो इसको करते हैं डिश आउट। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।